बीबी हिमांशी खुराना ने खुद को बताया ऐश्वर्या राय, तो सलमान खान ने दे दी ऐसी सलाह। टीवी का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी वाला शो बिग बॉस 13 इन दिनों छाया हुआ है। इस शो को तो इस बार हर कोई अब तक का सबसे अलग सीजन बना रहा है। बिग बॉस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब शो में पंजाब की कटरीना और पंजाबी की ऐश्वर्या एक साथ नजर आ रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाबी सिंगर और एक्टर शहनाज गिल और हिमांशी खुराना की। दरअसल शहनाज गिल खुद को पंजाब की कटरीना कैफ मानती हैं, तो वहीं हिमांशी खुराना की खूबसूरती और आंखों की वजह से फैंस ने हिमांशी को पंजाब की ऐश्वर्या राय का टैग दिया है। शहनाज गिल ने बिग बॉस के घर में एंट्री करने से पहले ही प्रीमियर एपिसोड में खुद को पंजाब की कटरीना कैफ का टैग दे दिया था। शहनाज की ये बात सुनकर सलमान खान भी काफी खुश नजर आए थे। इसके बाद शुरुआत से ही सलमान खान हमेशा शो में शहनाज गिल को सपोर्ट करते हुए देखे गए हैं। सलमान खान के शहनाज को हर बात पर फेवर करने की वजह से उन्हें कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा चुका है। कुछ यूजर्स ने उन्हें जहां बायस दोस्त बताया, तो वहीं कुछ यूजर्स ने सलमान पर ये भी आरोप लगाया कि शहनाज का खुद को कटरीना नाम देने की वजह से सलमान खान उन्हें इतना फेवर करते हैं, क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि कटरीना सलमान की बेहद करीबी दोस्त हैं और वो उन्हें बहुत मानते हैं। शो की एक कंटेस्टेंट को यूना मित्रा ने भी शो से बाहर होने के बाद सलमान खान पर शहनाज को फेवर करने के आरोप लगाए थे। कोयना ने कहा था कि सलमान को शहनाज की हर बात सही लगती है, चाहे वो कितनी भी गलत हो। पहली बार 10 नवंबर को टेलीकास्ट हुए वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान शहनाज गिल के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। सलमान ने एपिसोड के दौरान हिमांशी और शहनाज के बीच की कंट्रोवर्सी पर बात करते हुए शहनाज से कहा कि आपने हिमांशी की माँ के बारे में बिना सोचे समझे गलत क्यों बोला। इस पर शहनाज कहती हैं कि आपको पूरी कंट्रोवर्सी नहीं पता, तो सलमान जवाब में कहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है और वो शहनाज का वीडियो भी देख चुके हैं, जिसमें शहनाज ने हिमांशी की मां के कैरेक्टर और उनके गाने को गंदा कहा था। सलमान कहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक साइडेड है। सलमान की ये बात सुनकर शहनाज रोने लगती है। शहनाज गुस्से में बोलती है कि इसने पहले मेरे बाप के बारे में बोला था, तब मैंने इसकी माँ के बारे में बोला। सलमान इसके बाद कहते हैं कि आप दोनों अपने साथ दो लोगों को बैठाकर बाद में अपने बीच की चीजों को क्लियर कर लें।